Not a mushrika, until she दीन के जैसा कि कई बार जिक्र कर भी चुके हैं कि एक लड़का या फिर लड़की के लिए जरूरी है कि वो मुस्लिम पार्टनर चुन लें अब अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है और वो शादी हो तो उसको चाहिए की वो अपने शोहर को भी इस्लाम कबूल करवाए इससे उनको अजर भी मिलेगा और उनकी शादी भी शरीयत के मुताबिक हो जाएगी लेकिन अगर कोई कमारी लड़की मुसलमान हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की ने पूछा जो कि अभी आप मुलाजा करेंगे लड़की का कहना है कि उसने तीन साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया है चूंकि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है तो उसको किसके साथ शादी कर लेनी चाहिए हिंदू या फिर मुसलमान लड़की का कहना ये भी है कि हिंदू मुशरे में उसके लिए ये एक मुश्किल काम भी है कि वो मुसलमान लड़के से शादी करे। करेट फॉर द सोसाइटी डॉक्टर जाके नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि हाँ आपको मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि कुरान में लिखा है कि एक मुशरिका लड़की से शादी ना करो जब तक वो अल्लाह और हुजूर हजूर वसल्लम पर ईमान ना लाए जिस लड़की के पास ईमान हो वो अगर गैर गरीब भी है तो भी मुशरिका से बेहतर है डॉक्टर जाके नाइक ने तफसीलन कहा कि अगर एक लड़की गरीब है नौकरानी है शक्ल से गंदी है तो भी वो उन मुशरिकों से बेहतर है जो कि अमीर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तक कहा कि अगर वो कोई मलिका भी हो तो भी एक गरीब मुस्लिम लड़की उससे बेहतर है a woman लड़की को भी हुक्म दिया गया है कि ऐसे शख्स से शादी न करो जो कि मुशरिक है और ऐसे मुशरिक से एक गरीब नौकर मुसलमान लड़का बेहतर है डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल भी दी कि अगर आपके पास एक गाड़ी है उसका एक टायर साइकिल का है जबकि दूसरा ट्रक का तो वो गाड़ी कैसे चलेगी बिल्कुल भी नहीं चलेगी इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप एक मुसलमान लड़के से शादी करें डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत बात कही कि जैसा कि आपने कहा आप तीन साल पहले मुसलमान हो चुकी हैं और पूरा इरादा रखती हैं कि मरते मुसलमान ही रहेंगी तो फिर आप गैर मुस्लिम से शादी करके अपने शोहर को जहन्नुम तो नहीं भेज सकती ना एंड यू यू हैव एक्सेप्टेड इट सम 3 इयर्स बैक व्हाई डू वांट योर हस्बैंड टू टू गो हेल मजीद डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाते हुए कहा कि शोहर शरीक हयात होता है लेकिन एक अच्छी लड़की होने के नाते आपको अपने शोहर को भी जन्नत तक ले जाना चाहिए मानता हूँ कि आपको एक मुसलमान से शादी करने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हो सकता है मुआरा आपको कबूल ही ना करे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिंदगी बहुत छोटी है और कुछ वक्त के लिए है ज्यादा से ज्यादा लोग औसतन 50 से 60 साल तक जिंदा रहते हैं तो अगर मुआरे का दर्द 50 या 60 साल के लिए आप सह लें और आखिरत की जिंदगी तो हमेशा के लिए है बट सिस्टर इज फॉर ड्यूरेशन एवरेजी एक कारोबारी लड़की के लिए ये बेहतर चांस है कि वो 50 या 60 साल तक तकलीफ तक सह ले आखिरत में सब कुछ अच्छा रहेगा हमेशा के लिए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने नसीहत करके लड़की से कहा कि मेरा आपको मशवरा है कि आप एक मुस्लिम से शादी कर लीजिए चाहे वो गरीब हो नौकर हो देखने में ठीक ना भी हो यकीन मानिए उस लड़के से बेहतर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता और उस लड़के से लाख दुनना बेहतर है जो कि ईमान नहीं रखता लेकिन खूबसूरत और दौलतमंद है मैरी उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाब से जरूर मुतमिन हुए होंगे इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए हमारा चैनल तीन स्पीचेस हम ऐसी ही वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज